अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक चटपटे टिंडे और मसाला टिंडे। तो टिंडे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम मेंशन इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और 2 लार्ज ऑनियन लिए थे, उसमें से एक जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया है और एक ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। साथ ही टिंडे ले लिए हैं और उसे कट कर लिया है क्यूब्स की फॉर्म में। तो बस पैन में ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप और उसमें टिंडे ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। साथ ही दूसरी साइड पे कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही चॉप्ड ऑनियन उसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ऑनियन पेस्ट इकट्ठे ऐड कर देंगे। और 2 लार्ज टोमेटोज लिए थे उसका भी पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर कैरियाँ ले ली थी 1 और उसे जो है 1 स्मॉल टोमेटो के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें यहाँ पर ऐड करे हैं 1 टीस्पून टर्मरिक और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे टिंडे फ्राई हो चुके हैं और उनका कलर भी चेंज हो चुका है, अब इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ही टिंडे अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं, साथ ही इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे 3 to 4 और अनारदाना ले लिया है 3 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी 1/2 कप ऐड कर देंगे इसमें और इसे कवर करके छोड़ देंगे तब तक के लिए जब तक कि टिंडे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स हो चुके हैं और टिंडे भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया का पाउडर और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसे डिश आउट कर लेंगे। तो इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ। तो तैयार हैं चटपटे टिंडे। आई होप हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।